गाइस ये जो जगह है ना, हेलो, अरे अरे आवाज को क्या हो गया? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं आपको बता दूं ना कि मैं आज जमा मस्जिद आया हूं, जो कि ये रही पीछे जमा मस्जिद। में आप यहाँ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ना, ये जो दिल्ली है, दिल्ली की सबसे मशहूर जगह, सबसे बड़ी मस्जिद यही मानी जाती है जमा मस्जिद। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे खड़े रह के ना, मतलब पैर इतने बहुत जलने हैं, अच्छी तरीके से जलने हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है। और वैसे मैं आपको बताऊँ ना कि अगर आप कभी आओ तो सुबह के वक्त और या शाम के वक्त, इन दो टाइम आना, क्योंकि ये जो टाइम है ना, यही अच्छा टाइम है मतलब यहाँ पे आने का। वरना अगर आप दोपहर को आओगे तो यहाँ पे बहुत गरम गरम पैर जलेंगे आपके बहुत। और देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूँ ना कि आज मैं आया था तो हमें एक भाई मिले हैं, वो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो अभी मैं आपको उनसे मुलाकात करवाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? तो आज मैं भी मिल गया था भाई के साथ, तो अचानक ही हम लोगों की मुलाकात हो गई थी, तो मैंने जानता नहीं था, बट मैं बैठा हुआ था तो अचानक इनसे मुलाकात हो गई। मैं भी जामा मस्जिद आया हुआ था देखने के लिए, तो भाई से भी काफ़ी मिलके अच्छा लगा। तो हम लोग अभी काफ़ी आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद के बारे में, अभी और कुछ दिखाएंगे, गेट दिखाएंगे इसका। अपना चैनल का नाम तो बता दो यार। हाँ, मेरा भी चैनल का नाम है फारूक मंसूरी ब्लॉग्स, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना, ठीक है? तो अभी हम आगे की ओर चल के दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। गाइज ये जो जगह है ना, हेलो, अरे अरे आवाज को क्या हो गया? हाँ, सही हो गई आवाज। मतलब ये जो जगह है ना दोस्तों, ये यहाँ पे मुहाद धोते हैं और वजू बनाते हैं, बट खासकर जगह है ना उस साइड है, फारूक भाई ये खड़े हैं। और अगर आपने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जल्दी कर दो यार। और देखो, वैसे यहाँ पे देखो जमा मस्जिद में थोड़ा डेवलपमेंट चल रहा था ऊपर की ओर, बट कोई नहीं, वो भी बनने वाला है जल्दी। और अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर। हाँ, और आपको एक और बात बता दूँ ना कि ये देखो, ये जो खिड़की है ना, यहाँ से ठीक सामने लाल किला है और नीचे मार्केट लग रही है। एक साथ दो दो काम, अगर आप जमा मस्जिद भी आओगे तो आप लाल किला भी घूम सकते हैं आराम से। हम लोग, हम और वाहिद भाई जो है अभी टिकट लेके ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर टिकट जो है 50 रुपये की है, तो वाहिद भाई भी ले रहा हूँ और अपनी भी ले रहा हूँ टिकट। दे देना भैया, दो टिकट दे दो। हाँ, दो टिकट आए, ये लो वाहिद भाई टिकट, आगे से और पीछे से दोनों सेम है। तो अभी चल रहे हैं ऊपर, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ यहाँ पर, अभी ऊपर गया नहीं हूँ मैं। और अभी हम मीनार के पास चढ़ने वाले हैं, उसकी टिकट 50 रुपये है, और बैग जमा करवाओगे तो मतलब 20 रुपये लेंगे। जितने भी बैग होगे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको बैग जमा करवाओगे तो 20 रुपये लेंगे। और अभी हम जाएंगे जमा मस्जिद की छत पर, छत पर नहीं मतलब मीनार पे। तो मीनार पे जाके आपको जो नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना गाइस, बहुत अमेजिंग होने वाला है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं जमा मस्जिद की मीनार पर। लगता है ना कि आप में से बहुत कम लोग गए होंगे जमा मस्जिद की मीनार पर। आप लोग एक्साइटेड हो गए जमा मस्जिद की मीनार पर जाने के लिए, तो मैं आपको वहाँ की सैर कराने वाला हूँ। हम लोगों ने बैग यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर जमा कर दिया है, और यहाँ पे ना ये टोकन दिया है, ये टोकन दिया, ये वाला टोकन, ये हम लोगों का बैग जमा हो गया है और ये वाला टोकन मिला है, इनका भी जमा हो गया, मेरा भी बैग जमा हो गया यहाँ पर। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर, इस पे, इस मीनार के ऊपर जाना है हम लोगों को, ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये जो जगह है ना, मतलब ये गेट को डेकोरेट किया गया बहुत अच्छी तरीके से,
बहुत अमेजिंग है ये दोस्तों। यही है खास वजू खाना और सामने आप बैठ भी सकते हो और यही हमारा लास्ट सीन हो रहा है आज। फारूक भाई से भी मिलके बहुत अच्छा लगा, न्यू नए लोगों से मिले, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।